दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के माटुंगा में बीएमसी क्लीनअप मार्शल की जोरदार पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के माटुंगा से कल दिन में बीएमसी के क्लीनअप मार्शल की पब्लिक द्वारा जोरदार पिटाई किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में एक क्लीनअप मार्शल पहले अपने हाथ में पत्थर लेकर रोड पर जाते बिना मास्क वाले व्यक्ति से बहसबाजी करता है, जिसकी इस हरकत पर वहाँ जमा हुई भीड़ उस क्लीनअप मार्शल पर टूट पड़ती है। इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ क्लीनअप मार्शल को मार रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्लीनअप मार्शल बेवजह गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रहा था, जिस कारण पब्लिक उग्र हो गई। कोरोना काल में कोरोना की रोकथाम के नाम पर महानगर पालिका द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने इन क्लीनअप मार्शल की नियुक्ति की गई है, जो ज़्यादातर ठेका पद्धति से रखे गए हैं। और इन क्लीनअप मार्शल को रखने वाली ठेका कंपनी को कोरोना की रोकथाम से कोई सरोकार नहीं है कंपनी, बल्कि बीएमसी और दूसरी सभी मनपा को सिर्फ कोरोना के नाम पर पैसा वसूली करने की पड़ी है, जिसमें यह मार्शल किसी भी हद तक चले जाते हैं। इससे पहले भी कई बार क्लीनअप मार्शल की बदतमीजी के वीडियो सामने आ चुके हैं। एक पुराना वीडियो जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें तो क्लीनअप मार्शल जुर्माने की रकम वसूल करने एक चलती गाड़ी के बोनट पर चढ़ा दिखाई दे रहा है। राजनीतिक कार्यक्रमों में धड़ल्ले से उड़ती सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां एवं लोगों के चेहरों से नदारत होते मास्क के कई मामले सामने आने के बाद भी वहां कार्यवाही नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।